नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स जो एक बहुत सेकेंड मोस्ट कॉमन काज है फीमेल्स में कैंसर्स का, तो इसकी रोकथाम करना जरूरी है। मतलब रिस्क फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन, और दूसरा है कि अगर किसी को लगे कि प्रॉब्लम है जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए। इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, मीन्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए और जल्दी ट्रीटमेंट हो। इसके लिए समाज में पूरी तरह सब लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूट्राइन कैंसर्स, जो बच्चे धानी के कैंसर्स हैं, इसमें क्या क्या इसमें जो लक्षण आते हैं क्या आते हैं। लक्षण ये हैं कि अब देखिए, किसी को महावारी यानी पीरियड्स खत्म हो गए और 6 महीने से ज्यादा टाइम के बाद ब्लीडिंग हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर बार एक कैंसर नहीं होता, बट इसमें हाई चांसेस होते हैं कैंसर होने के। यूट्राइन कैंसर्स के अर्ली सिम्टम्स में ये चीज होती है। तो हमें सोसाइटी में, अपने समाज में ये ध्यान रखना है, सबको बोलना है कि अगर महावारी खत्म हो, उसको 6 महीने बाद ब्लीडिंग हो, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंडोमेट्रियल कैंसर्स का। अब हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के नीचे वाला पार्ट होता है उसको सर्वाइकल कैंसर्स बोलते हैं। इसमें एक वेजनल भी होता है और वल्वल कैंसर, ये तीनों होते एक ही रीजन है तीनों का, और हमें इनके सिम्टम्स भी एक ही जैसे होते हैं। तो इनमें याद रखिएगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, संभोग करने के बाद ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, परसिस्टेंटली लोअर पेट में दर्द होना, गिठाने दिखना, पस निकलना बच्चेदानी के रास्ते, तो ये सर्वाइकल कैंसर्स, वजनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स के अर्ली फीचर्स हैं। तो इसमें क्या है कि जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर टाइम पे कैंसर होता है, बट जरूरी ये है कि हमें जाँच करानी जरूरी है। उसके बाद है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर्स की इंडिया में टेंडेंसीज, जो इंसिडेंस न्यू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ओवेरियन कैंसर्स में। मैं आपको एक बता दूं, सीधा सा ये है कि पेट भरना, पेट फूलना, गैस होना, बार बार पेशाब आना, कब्जी रहना, लोअर नीचे वाले पेट में दर्द होना, तो इसमें ये है कि इसमें ओवेरियन कैंसर्स के अर्लियर फीचर्स हैं। और आगे हर कहीं पे कभी भी हर किसी फीमेल को मैं बताना चाहूंगा कि डिस्चार्ज हो जाए बच्चेदानी के रास्ते, पेट भरा भरा लगे, ब्लीडिंग हो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कभी भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कुछ ना कुछ रीजन होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो या महामारी खत्म होने के बाद फिर से 6 महीने बाद ब्लीडिंग हो, इन चीजों का ध्यान रखें, इसको हम बचा सकते हैं, इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। ये कैंसर के अर्ली साइंस है, कैंसर के अर्ली साइंस है, तो इसको जल्दी से जल्द हम जल्दी पकड़ में आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, समराइज करते हुए एंड पे जो निचोड़ ये है कि अगर कभी भी ऐसे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए ऐसा कुछ लगे तो सोसाइटी में बताएं लोगों को, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम लोगों से यहाँ सीके बिरला हॉस्पिटल में हमसे आप मिल सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। हम लोग 8 से 4 बजे तक यहाँ पे ओपीडी में बैठते हैं। कोई भी तकलीफ कभी भी हो आप हमें बताएं, और अपनी तरफ से आगे पूरी जागरूकता का समाज में करें। नमस्कार।